अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर विक्रम और मैं एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एज आईटी इंस्ट्रक्टर हूं पिछले 12 साल से। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप एडवांस एक्सेल कोर्स करना चाहते हैं तो हम आपको कौन कौन से फंक्शंस और कमांड्स जो है इस कोर्स में सिखाएंगे। मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं आपको आईटी का ब्रोशर दिखा रहा हूँ। अगर आप एक्सेलेंस कैंपस आएंगे खारदर कैंपस, तो हमारे जो एक्सेलेंस का आईटी काउंटर है उस पर आपको ये ब्रोशर अवेलेबल होगा। हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के कोर्सेज भी कराते हैं जो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं, और जो हमारे लेवल्स वाइज कोर्सेज हैं उसमें तीन जो लेवल हैं, ऑफिस ऑटोमेशन है, ग्राफिक्स एनिमेशन VFX, वीडियो एडिटिंग और फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ई कॉमर्स है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्पेशली जो है एक्सेल। तो एडवांस एक्सेल जो है हमारे पास 2 मंथ्स की ड्यूरेशन का कोर्स है, और इसमें कुछ जो मेन टॉपिक्स हैं एक्सेल में वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे फंडामेंटल्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंडामेंटल, टैब्स रिव्यू, एडवांस एक्सेल फॉर्मूला जैसे वी लुकअप है, इंडेक्स है, इफ कंडीशन है, और नेस्टेड जो कंडीशंस होती हैं जैसे इफ के साथ एंड यूज होता है, इफ के साथ और यूज होता है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, और टेबल्स क्रिएट करना है, और स्टाइल सप्लाई करना है, गेट डेटा फ्रॉम गेट एक्सटर्नल डेटा जैसे एक्सेस से डेटा गेट करना है, या टेक्स्ट से डेटा गेट करना है, या वेबसाइट से डेटा गेट करना है, फोरकास्ट टूल का इस्तेमाल करना है, जो है प्रेजेंटेशन के लिए हमें चार्ट बनाना है, फोरकास्ट ऑप्शन यूज होता है, पिवट टेबल के जरिए जो है रिपोर्टिंग का काम हम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपके पास किसी शीट में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास अवेलेबल हो और उसको आप रिपोर्टिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं एनालिसिस के लिए, जो है जैसे हम मीटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं डेटा को, तो हम पिवट टेबल का इस्तेमाल करके या पिवट चार्ट का इस्तेमाल करके हम उसको समराइज कर सकते हैं डेटा को, और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, ठीक है। और उसमें हम VBA जो है मैक्रोज भी स्टडी करते हैं कि VBA का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे होता है, ठीक है। डेटा टेबल आपके सामने है, सिनेरियो मैनेजर भी स्टडी करते हैं, गोल सीक भी स्टडी करते हैं, सॉर्ट इन फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें लिस्ट क्रिएट करना है, फोन नंबर का इस्तेमाल है, डेट का इस्तेमाल है, और बहुत सारी वैलिडेशन जो है कंडीशंस है, ठीक है। कंसोलिडेट है, रिमूव डुप्लीकेट है, पेज सेटअप का इस्तेमाल करते हैं कि पेज को अगर हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करें तो कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मार्जिन सेट कैसे करते हैं, पेपर साइज क्या होता है, और अगर हम उसको स्केल डाउन करें तो 1 पेज स्केल क्या होता है, विड्थ क्या होता है, हाइट क्या होता है, और स्केल परसेंटेज को डाउन करने से हम इसको कैसे जो है प्रिंटेबल एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम मोर देन 100 जो है टॉपिक्स और फंक्शंस सिखाते हैं। तो मैं एक एग्जांपल जो है आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जब आप एक्सेलेंस ज्वाइन करेंगे तो हम आपको एक्सरसाइज फाइल्स के साथ वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे जो है आपके पास सामने बहुत सारी वीडियोज नजर आ रही हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक टॉपिक जो है टीच करता हूँ, वो टॉपिक हम रेंडम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। लेट सपोज हम टॉपिक नंबर 22 स्टडी करते हैं, ओके। तो रिमूव स्पेसेस यूजिंग ट्रिम सब्स्टिट्यूट फंक्शन और फाइंड रिप्लेस का इस्तेमाल है, ठीक है। तो हम कैसे स्टडी करते हैं थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो फाइल मैंने ओपन की है और ये फाइल एग्जांपल आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या करना है, नंबर 1 जो है ओरिजिनल डेटा में आप देख रहे हैं कि जो नाम टाइप किए हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे स्पेसेस हैं, ठीक है, यानी कि इरेगुलर स्पेसेस हैं। हम चाहते हैं कि ये इरेगुलर स्पेसेस जो हैं वो रिमूव हो जाएं, ठीक है। तो मैं नेम को भी अपडेट कर देता हूं। यहां पे हम लिखते हैं आतिफ असलम,
आपको डेफिनेटली जो है वो गाइड करूँगा कि आईटी में जो है हम किस तरीके से कोर्स करवाते हैं, और अगर आप आईटी करियर में इंटरेस्टेड हैं तो क्या कोर्स करने चाहिए, उसके बारे में जो है आप मुझसे जो है रब्ता कर सकते हैं। खारदर कैंपस एक्सेलेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेरा नाम है सर विक्रम। थैंक यू।